हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे दिवाली के बारे में, जो कि हर साल पूरे भारत देश में धूमधाम के साथ मनाई जाती है। और इस बार भी दिवाली पूरे धूमधाम के साथ देश में मनाई जाएगी। और दिवाली पूरे भारत देश का सबसे बड़ा त्यौहार है और हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। लेकिन इस बार दिवाली 14 या 15 नवम्बर कब है, इसको लेकर सभी लोगों के मन में सवाल गूंज रहा है। तो अभी हम आपको बताएंगे दिवाली की सही तारीख के बारे में जानकारी, वहीं बात करेंगे मुहूर्त और पूजन के बारे में भी। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपको ये पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को, यानी कि घंटी के निशान को अवश्य दबाइए, ताकि आपको आगे भी दिवाली की हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि दिवाली कब है और मुहूर्त और पूजन के बारे में भी पूरी जानकारी को देखते हैं। तो कब है दिवाली, जानिए तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूजन सामग्री की सूची और लिस्ट। तो दीपों का त्यौहार दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है और इस बार दिवाली 14 नवंबर को मनाया जाएगा। और इसी बीच आप सभी के मन में ये सवाल उठ चुका है कि दिवाली 14 नवंबर को क्यों मनाई जाएगी, क्योंकि 15 नवंबर 2020 को अमावस्या है और ऐसे में 14 नवंबर 2020 को इस बार दिवाली क्यों पड़ रही है। तो आप सभी को ये बता रहे, तो हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार चतुर्दशी और अमावस्या दोनों ही 14 नवंबर 2020 को है, जहां पर चतुर्दशी 14 नवंबर को 1:16 तक रहेगी और उसके बाद में अमावस्या शुरू हो जाएगी। और इसी वजह से दीपावली जो है इस बार 14 नवंबर 2020 को मनाई जाएगी। वहीं दिवाली से पहले ही बाजारों में रौनक दिख रही है और आज से ही लोगों ने दिवाली की खरीदारी शुरू कर दी है। तो वहीं दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है और मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन करने से घर में शांति, तरक्की और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। और दीपावली पर हर व्यक्ति माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा करता है और दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं पूजा के सुमूर्त और पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी और आपको बताते हैं कि आपको कौन से सुमूर्त में माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिवाली के लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त की, जहां पर 14 नवंबर को 1:16 तक चतुर्दशी रहेगी और फिर अमावस्या लागू हो जाएगी। यही कारण है कि 14 नवंबर को ही लक्ष्मी पूजन किया जाएगा, जहां पर शुभ मुहूर्त देखने को मिलेगा 5:40 से लेकर 8:15 तक, और ये अति शुभ मुहूर्त देखने को मिलेगा। और इस शुभ मुहूर्त के समय लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा आप कर सकते हैं। वहीं दिवाली की पूजन सामग्री की बात करते हैं, जहां मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा, रोली, कुमकुम, अक्षत यानी चावल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, अगरबत्तियां, मिट्टी, दीपक, रुई, कलावा, सादा, दही, गंगा जल, गुड़, धनिया, फल, फूल, जौ, गेहूं, दुर्वा, चंदन, सिंदूर, पंचामृत, दूध, मेवे, खीर, पतासे, जनेऊ, श्वेत वस्त्र, इत्र, चौकी, कलश, कमल, गट्टे की माला, शंख, आसन, थाली, का सिक्का, चंदन, बैठने के लिए आसन, हवन कुंड, हवन सामग्री, आम के पत्ते और प्रसाद। और इस प्रकार से आपको जो है पूजा की सामग्री इकट्ठा करनी है पूजन के लिए। वहीं दिवाली की पूजन विधि की बात करते हैं, जहां लक्ष्मी पूजन का सुमूर्त सायकाल से प्रारंभ हो जाता है। लकड़ी की नई चौकी सिंहासन पर लाल रंग का नया वस्त्र बिछाकर श्री लक्ष्मी श्री गणेश की मूर्ति रखनी चाहिए। इसके बाद श्री लक्ष्मी श्री गणेश जी के दाहिनी ओर होनी चाहिए। श्री लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियों के सामने चावल के दानों के ऊपर कले समय जल भरकर अक्षत, दुर्वा, सुपारी, रत्न व चांदी का सिक्का रखना होगा। फिर कलश पर सिंदूर या रोली से स्वास्तिक बनाना चाहिए। कलश के ऊपर चावल से भरा हुआ पात्र रखकर उसके ऊपर नारियल को लाल वस्त्र शस्त्र से लपेटे हुए नारियल के ऊपर या 11 बार लपेटकर रख देना चाहिए। इसके पश्चात चावल, धूप, पुष्प अर्पित करने के पश्चात अखंड दीप प्रज्वलित करके पूजन करना चाहिए। और दीपावली पूजन की शुरुआत घर के प्रमुख को करनी चाहिए और प्रमुख परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर पूजा में भाग लेना चाहिए। और इस प्रकार से दिवाली की पूजन विधि के बारे में पूरी जानकारी है।
दोस्तों इस सब प्रकार से अभी हमने आप सभी को बता दिया है कि दिवाली कब मनाई जाएगी, मुहूर्त क्या रहेगा, पूजन विधि आपको किस सब प्रकार करनी पड़ेगी। तो ये पूरी जानकारी आप सभी के लिए थी। तो यदि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिए और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में दिख रहे घंटी के निशान को दबा दीजिए। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।